सब्सक्राइब करें जुम्मा किचन को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुम्मा किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन रोल्स। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और अगर आपने ये घर में बना लिए तो आप बाज़ार से जो चिकन रोल्स होते हैं वो मंगाना बिल्कुल छोड़ देंगे। बनाना बहुत ज़्यादा इनको आसान है और खाने में बहुत ही बेहतरीन है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चिकन का टिक्का, या फिर आप इसको कह सकते हैं चिकन की फिलिंग। तो उसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो 1 किलो मैंने बोनलेस चिकन लिया है, 1/2 किलो मैंने इसमें थाई लिया था और 1/2 किलो ब्रेस्ट लिया था। आप चाहें तो पूरा ब्रेस्ट लें, आप चाहें तो पूरा थाई लें। और इसको ज़्यादा बड़े टुकड़ों में नहीं काटिएगा, मैंने इस तरह के मीडियम साइज़ के पीसेज में देखिए आप काट लिया है ताकि ये बाइट साइज रहे। और इसके अंदर जाएगी 4 टेबलस्पून दही। दही का पानी मैंने निचोड़ लिया था, यानी दही को लेके मैंने छलनी में डाल दिया था। जब इसका एक्स्ट्रा पानी निकल गया है तो ये अब इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ। तो ये लूँगी मैं 4 टेबलस्पून। 2 टीस्पून मैंने लिया है सरसों का तेल, 2 टेबलस्पून मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 लेमन का जूस इसके अंदर जाने वाला है, 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है काला नमक, 1 टीस्पून मैंने लिया है पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून मैंने लिया है जीरे का पाउडर, 1 ही टीस्पून मैंने ली है पिसी हुई काली मिर्च, 2 टीस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर और 2 टीस्पून मैंने ली है कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल रेड चिली पाउडर या नॉर्मल पिसी हुई लाल मिर्च ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये कम तीखी होती है तो मैंने 2 टीस्पून लिया है, वो आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। तो चिकन को हम करेंगे मैरिनेट, और जितना आपके पास टाइम है आप उतने टाइम इसको रख सकते हैं, फ्रिज में रख दीजिए, लेकिन कम से कम 1/2 घंटा इसको आप मैरिनेट कर लीजिएगा ताकि जितने भी फ्लेवर्स हैं वो चिकन में अच्छी तरह से आ जाए। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसके अंदर नमक, काला नमक, गरम मसाला, जीरा पाउडर, पिसी हुई काली मिर्च, धनिया पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, सरसों का तेल। सरसों का जो तेल है वो सभी चीजों को अच्छे से बाइंड कर देता है। और ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, दही जो कि हम 4 टेबलस्पून ले रहे हैं, और ये लेमन का जूस। आप चाहें तो इसकी जगह विनेगर भी डाल सकते हैं। तो अब सभी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। हाथ से कर लीजिएगा वो बेटर रहेगा। चिकन में सब चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर दी हैं, अब मैं 1/2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देती हूँ। तो जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है हम गूंद लेते हैं आटा। तो मैं आटा जो है वो कम ले रही हूँ क्योंकि जो हम चिकन टिक्का बनाएंगे उसको हम फ्रीज करके रख सकते हैं और जब ज़रूरत हो तब हम उसके रोल्स बना सकते हैं। तो अब इस वक्त मैंने लिया है 2 कप मैदा और इसको मैंने छान के एक बड़े बोल में डाल लिया है, और इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून चीनी और 2 टेबलस्पून घी। ये वनस्पति घी है, इससे जो हमारे पराठे होते हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और फ्लेकी बनते हैं। तो इसके लिए आप एक एक करके हम सब चीज़ें इसके अंदर डाल देते हैं, नमक, चीनी और ये घी, और इसको हम हाथ से अच्छे से इस तरह से क्रम्बल कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे आटे में और इसका हम एक सॉफ्ट डो बना लेंगे, और इसको बहुत अच्छा काफी देर तक हमें गूंदना है। जितना अच्छा आप इसको गूंदेंगे उतने अच्छे आपके पराठे बनेंगे। आटे को हम अच्छे से गूंद लेते हैं। हमने गूंद लिया है और इसको हम 1/2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, और इसके बाद एक बार फिर से हम इसे गूंदेंगे।
तो चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है और इसके साथ हमने काट ली है एक प्याज और इसको हमने बहुत फाइनली स्लाइस कर लिया है। अब हमने ली है कढ़ाई और उसमें 4 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है और अब हम इसके अंदर डाल देते हैं ये अपने मैरिनेटेड चिकन को जो कि बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है। आप चाहें तो इस चिकन के साथ कैप्सिकम भी यूज कर सकते हैं। आप 1 से 2 कैप्सिकम ले लें और उनके स्लाइसेस पतले पतले काट लें और फिर वो भी जब चिकन हाफ डन हो जाए वो डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ, मुझे ऐसे ही पसंद है। तो कुछ मिनट हम इसको ऐसे ही पकाएंगे जब तक कि चिकन का जो पानी है वो थोड़ा ड्राई नहीं हो जाता। ये काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ने वाला है, चिकन का अपना पानी होगा और जो हमने दही लगाई है उसका भी पानी होगा। तो देखिए चिकन ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। हम मीडियम फ्लेम पर इसको चलाते हुए इसका पानी सुखा देंगे बिल्कुल और फिर उसके बाद हम चिकन को कवर करके थोड़ी देर के लिए कलाएंगे। तो ये बोनलेस चिकन है, ये जल्दी ही पक जाता है। देखिए चिकन का पानी ड्राई हो गया है, अब हम इसको कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए या फिर जब तक कि हमारा चिकन अच्छे से गल नहीं जाता बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लेंगे। तो चिकन को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। दूसरी तरफ हमने स्मोकी फ्लेवर देना है हमें इसको, तो हमने एक कोयले का टुकड़ा लिया है और उसको जलने के लिए रख दिया है और अब हम डालने वाले हैं ये प्याज। थोड़ा सा हाथ से क्रश करके डालिएगा ताकि अच्छे से इसके छल्ले जो हैं ये खुल जाए। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो इस टाइम पर या इससे 2 मिनट पहले इसमें इसी तरह से बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल सकते हैं। तो प्याज हमारी मिक्स हो गई है, अब मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको और कवर करके छोड़ूंगी, फिर हम इसमें स्मोकी फ्लेवर देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम अपनी गैस को बंद कर देते हैं और इसके अंदर बनाते हैं थोड़ी जगह। इसमें रखेंगे हम एक प्याली और उसमें रखेंगे हम कोयले। मेरे जो कोयले के पीस हैं वो टूट गए हैं, स्टील की प्याली में तो वो बेहतर है, इस टाइम मुझे वो नहीं मिली थी तो शीशे की ही ले रही हूँ। और उस पर डाल दें थोड़ा सा ऑयल और इसको कवर करके हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए हमारा टिक्का तैयार हो गया है, इसे हमने एक बोल में निकाल लिया है और हम अब बनाने वाले हैं एक स्प्रेड जो कि हम अपने रोल्स के अंदर लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने ली है 2 टेबलस्पून दही, इस दही का हमने पानी पहले ही निकाल लिया है, ये हंग कर्ड है। और 2 टेबलस्पून मैंने ली है मेयोनेज और उसके अलावा ये हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेके बहुत बारीक हमने इसको काट के और हाथ से इसको मसल लिया था, पहले से हमने ठंडे पानी से इसे धो लिया था। तो प्याज का बिल्कुल एक एक जो टुकड़ा है वो अलग हो जाना चाहिए और इसके अंदर जो हमारी मेयोनीज है और दही है आपकी मर्ज़ी है आप इसमें क्या फ्लेवर चाहते हैं। मैं डालने वाली हूँ इसमें हरी चटनी जो कि मैंने बनाई है, थोड़ा सा 1 मुट्ठी हरा धनिया, 2-3 लहसुन के जवे, भुने हुए जीरे का पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काला नमक और इन सबको मैंने बहुत बारीक पीस लिया है और मेन सॉरी इसमें हरी मिर्चें गई हैं, 2 से 3 मैंने हरी मिर्चें डाली हैं। तो ये है हमारी हरी चटनी, आप इसकी जगह चाहें तो कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं, मैंने हरी चटनी ली है। और इसके साथ मैं डालने वाली हूँ 2 चुटकी नमक। तो हम सब चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेते हैं। मेयोनीज में मैं डाल रही हूँ पहले दही, चटनी 1 चम्मच डाल दिया है मैंने और नमक, क्योंकि चटनी में नमक सिर्फ चटनी के लिए ही था, अब हमें दही और मेयोनीज के लिए भी चाहिए और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमारा जो स्प्रेड है वो तैयार हो गया है, इसका नमक और मिर्च आप चेक कर लीजिएगा। तो अब हम बनाने शुरू करते हैं पराठे। तो अब बना लेते हैं हम पराठे। तो ये मैंने 2 पेड़े बना लेती हूँ पहले। आटे को मैंने एक बारी दोबारा से गूंद लिया था ताकि वो अच्छा सा सेट हो जाए और इस तरह से हम इसके 2 पेड़े बना लेते हैं। अब हम इसको बढ़ा लेते हैं, आप चाहें तो बल वाले पराठे भी बना सकते हैं
लेकिन मैं प्लेन ही बना रही हूँ। अब हम पराठे को बेल लेते हैं। ज्यादा मोटा नहीं रखिएगा, पतला ही रखिएगा। तो पराठा हमने बेल लिया है, अब हम इसको पका लेते हैं। तो मैंने लिया है तवा, सीधा तवा, और इसके ऊपर हम डाल देते हैं अपना पराठा। थोड़े बड़े ही साइज के बनाए हैं मैंने, आप चाहें तो इससे छोटा साइज भी ले सकते हैं। और इसको अब हम अच्छे से दोनों साइडों से पका लेते हैं। चेंज कर देते हैं हम इसकी। अब लगाते हैं हम इस पर ऑयल। को अच्छा से सेक लेंगे दोनों साइडों से। तो ये देखिए हमारा पराठा तैयार हो गया है, और इस पे कितना खूबसूरत, बिल्कुल आप देखिए बाजार जैसे कलर आया है। वो इसलिए आया है क्योंकि हमने इसके अंदर डाली है चीनी, तो चीनी से इसमें बहुत जल्दी और बहुत अच्छा कलर आ जाता है। तो ये तैयार हो गया है, इसको मैं निकाल लेती हूँ। तरह से हम एक और पराठा बना लेते हैं। तो इसी तरह से हम दूसरा पराठा बना रहे हैं, और लेकिन ये बनाएंगे हम अंडे वाला पराठा। तो पहले इसको थोड़ा सा सेक लेते हैं, फिर इस पर हम अंडा लगाएंगे। तो एक अंडा लेके मैंने उसको फेंट लिया है। तो अब हमने इसके ऊपर डाल देंगे हम ये अंडा। ये मेरा अंडे वाला पराठा तैयार हो गया है। अब हम सब चीजों की फाइनल असेंबलिंग करेंगे। तो आइए अब हम अपने रोल्स को असेंबल कर लेते हैं। तो ये एक पराठा मैंने ले लिया है, और इसके ऊपर ये जो मैंने सॉस बनाई है दही मेयोनीज और चटनी की, थोड़ी सी स्प्रेड कर लेती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, आप अपनी पसंद के हिसाब से रख लीजिएगा। आप चाहें तो बच्चों के लिए इसमें केचप भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब हम लगाते हैं इसके अंदर चिकन सेंटर में, अच्छी सी ज्यादा सी, आप चाहें तो थोड़ा सा और इसके ऊपर चटनी को डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं। अब डालती हूँ मैं इसके ऊपर अनियंस, ये देखिए। और अब हम इसे कर लेते हैं रोल। ये देखिए कितना शानदार हमारा ये रोल नजर आ रहा है, ये देखिए आप। और अगर आप चाहें तो इसको रैप कर सकते हैं इस तरह से, फॉइल या फिर पेपर में। देखिए कितना खूबसूरत हमारा रोल नजर आ रहा है। इसी तरह से हम अंडे वाले पराठे का भी एक बना लेते हैं। ये ले लिया है हमने अंडे वाला पराठा, इस पर लगाते हैं सॉस, आप चाहें थोड़ा सा चाट मसाला या तंदूरी मसाला भी इस पर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। और अब डालेंगे हम इसमें चिकन, साथ ही हम डाल देते हैं प्याज, और इसे भी हम रोल कर लेंगे। देखिए
तैयार हैं हमारे चिकन रोल्स। कितने ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल आपको जो रेस्टोरेंट में चिकन रोल्स मिलते हैं उन जैसे ही ये नज़र आ रहे होंगे। अगर आप बच्चों को नहीं बताएंगे तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा। तो एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।